दोस्तों, क्या हाल है? मेरे तो बहुत ही बुरे हाल हैं। पता है, एग्जाम्स हो रहे हैं मेरे। पता है कल मेरा कौन सा एग्जाम है? उर्दू का। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, वो ही मेरे टेस्ट में भी आ रहा है। मेरी कहानी का नाम है बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड। अली अपनी बाजी को बहुत गौर से देख रहा था। वो गर्ल्स गाइड में शामिल हैं और अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। देखते देखते अली के एकदम कहने लगा, बाजी बाजी, मुझे भी गर्ल्स गाइड बनना है। ये सुनते ही बाजी जोर से हंस पड़ी, कहने लगी, अरे मेरे मुन्ने से भाई, तुम गर्ल्स गाइड कैसे बन सकते हो? तुम तो लड़के हो। हाँ, जिस तरह लड़कियाँ गर्ल्स गाइड में शामिल हो सकती हैं, उसी तरह लड़के बॉय स्काउट में शामिल हो सकते हैं। दोनों में स्कूल पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तरबियत भी ले सकते हैं जिससे वो बहुत से बहादुरी काम कर सके। खास तौर पर इस वक्त जब कोई हादसा पेश हुआ हो, हंगामी हालत मतलब जंग, जलजला, सैलाब या कोई और नागहानी आपत पेश आ जाए, इस तरबियत के दौरान लड़कों और लड़कियों को पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने, अपने और दूसरों के काम आने, हंगामी हालात से निपटने और हर किस्म के मुश्किल हालात का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे से छोटे कामों, मसलन सुई धागे का इस्तेमाल से लेकर चीज़ों की मरम्मत करना, लकड़ी से चीज़ें, रस्सों का पल, आर्जी स्ट्रेचर बनाना तक सिखाया जाता है। इब्तदाई तबी इमदाद देना भी सिखाया जाता है। इब्तदाई तबी इमदाद किसे कहते हैं? अली ने हैरानी से पूछा। चोट लगने, जख्मी होने या किसी और तकलीफ, मसलन सांप या किसी कीड़े के काटने की सूरत में फौरी तौर पर मरीज की मदद करने को इब्तदाई तबी इमदाद कहते हैं, अबू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहाँ आ गए थे। अबू ने उठकर किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था स्काउट तहरीक। बाजू और अली ने हैरानी से पूछा, आपके पास ये किताब कहाँ से आई? अबू ने बताया कि वो भी अपने स्कूल के ज़माने में स्काउट रह चुके हैं। अली ने किताब खोलकर देखा और पढ़ना शुरू किया। गाइस, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी थी ना? एपिसोड 2 के लिए मज़ीद इंतज़ार करें।